प्रजापति जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्धवर गए, और ब्राह्मणों के संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है, तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। और किसी तरह की जातीय मजहबी गठजोड़ को अब उत्तर प्रदेश नकार देगा। उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, योगी जी के साथ है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का हाल काफी ज्यादा बुरा है। ब्राह्मण समाज इस बार बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने यह बताया कि उनकी पार्टी 23 जुलाई से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। बता दें आपको कि 23 जुलाई को अयोध्या में मंदिर दर्शन करने के बाद सतीश चंद्र ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलेवार बसपा यह सम्मेलन करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपने सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है, और इसका एहसास कराने मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए बसपा ने कुछ नहीं किया, मायावती ने ब्राह्मणों का अपमान किया है। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्धवर गए, और ब्राह्मणों के संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है, तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। और किसी तरह की जातीय मजहबी गठजोड़ को अब उत्तर प्रदेश नकार देगा। उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, योगी जी के साथ है।